brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. Muhibullah Imam sahab hain shayad parliament mein, inko yahan koi nahi pehli baar naam suna. Main yahan ke gram pradhan pati Dr. Tanda. हमने इससे पहले कभी नाम नहीं सुना था, बल्कि हमारे पास का गांव है राजानगर, यहीं के रहने वाले बताए वो एक किलोमीटर होगा, ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी बात ये देखो, आजम खां हूँ। हाँ, वो इमाम साहब मौलाना हैं जी। हाँ, तो उनका क्या कहेंगे उनके बारे में? उनके बारे में बता देंगे उन्हें भी जब आएंगे तो। अच्छा, हाँ, क्या बताएंगे? बस बाद में ही बताएंगे ना, पहले तो इन्हें मात्र मतलब इनसे ही करना है, अपने पुराने आदमी। पुराने पब्लिक जो है और यहाँ के इमाम जो है सब आजम खान के साथ, आजम खान से ही जुड़े हुए रहेंगे। अच्छा जी, क्या वजह है ऐसी? अच्छा, ऐसी वजह कुछ नहीं है, कुछ तो खासियत होगी उनसे जो जुड़े हुए हैं लोग। अच्छा, अच्छा ही कुछ तो होगी। क्या उसके लिए करेंगे प्रचार, जो कैंडिडेट है समाजवादी का? नहीं करेंगे। क्या चल रहा है रामपुर में भाई? देखो, आजम खान जिसे कहेंगे उसे वोट देंगे। आजम खान नेता है हमारे। अच्छा, बस पहले भी नेता आजम खान थे, अभी आजम खान, अब ये थोड़ी कोई भी आ जाए उसको दे दें, पहले वकील साहब को दे देते, वकील साहब भी देते। नमस्कार, मैं हूँ आमिर खान और आप देख रहे हैं यूपी तक। हम इस वक्त रामपुर के एक दोपुरी टांडा गांव में हैं और हम इस वक्त यहाँ पे मौजूद आजम खान के समर्थकों से, जो आजम खान के चाहने वाले हैं, उनसे हम बात करेंगे। जो पिछले दो दिन के अंदर रामपुर में घटनाक्रम चला है, इस पर उनकी क्या राय है, आजम खान को लेकर वो क्या सोचते हैं, क्या उनकी सोच है, उनसे बात करते हैं। जी चाचा, क्या नाम है आपका? इंतजाम अली जी। इंतजाम अली, इंतजाम साहब क्या कहेंगे, चला है दो दिन में, टिकट आसिम राजा ने भी भरा, आजम खान के समर्थक ने उनकी तरफ से, और अखिलेश यादव ने भी टिकट दे दिया। ठीक है साहब, हम तो आजम खान को देख रहे हैं जी आजम खान। ऐसा क्यों? बट ठीक है, मतलब ये पहले से ही है उनके। अच्छा, हाँ, पहले से लीडर नेता वही है। हाँ, असली रामपुर का नेता वही है। कब से आजम खान से आपका जो है वो? बहुत जमाने जब से वो मतलब शुरू हुए हैं, जब से हम तो कई दफ़ा गए उनके कोठी में बैठ कर आए। अच्छा, हाँ, माशाल्लाह सही है वो हिसाब से अपने। अच्छा, समाजवादी पार्टी ने जो टिकट दे दिया है वो भी इमाम है? हाँ, वो इमाम साहब मौलाना है जी। हाँ, तो उनका क्या कहेंगे उनके बारे में? उनके बारे में बता देंगे उन्हें भी जब आएंगे तो। अच्छा, हाँ, क्या बताएंगे? बस बाद में ही बताएंगे ना, पहले तो इन्हें मात्र मतलब इनसे ही करना है, अपने पुराने आदमी से। अच्छा, पुराने आदमी से। हाँ, क्या नाम है भाई आपका? आगे इधर आ जाइए, क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम फिराशद अली। फिराशद भाई, क्या कहेंगे? क्या नहीं, क्या है सर, आजम खान जो इस टाइम लीडर नेता हैं उन्हीं के साथ है यहाँ की पब्लिक जी, और उन्हीं के साथ रहेंगे। अच्छा जी, मतलब ये जो दो दिन से पिछले घटनाक्रम चला है कि चुनाव का बहिष्कार, फिर आसिम राजा ने पर्चा भरा, आज उनका पर्चा खारिज हो गया, अब मुहिबुल्ला जो नदवी हैं वो क्या कहते हैं उनका नामांकन हो चुका है, उनसे कोई मतलब नहीं, वो किसी को भी पर्चा भरवा में अखिलेश जी, जो हमारे पब्लिक जो है और यहाँ के इमाम जो है सब आजम खान के साथ, आजम खान से ही जुड़े हुए रहेंगे। अच्छा जी, क्या वजह है ऐसी? ऐसी वजह कुछ नहीं है, कुछ तो खासियत होगी उनसे जो जुड़े हुए हैं लोग। अच्छा, अच्छाई कुछ तो होगी। अच्छा, अंदर खाने से या कुछ भी देखें आप। तो क्या समाजवादी पार्टी का जो टिकट हुआ है, क्या उसके लिए आप लोग प्रचार प्रसार करेंगे जो आप मौजूदा हैं इस वक्त? नहीं, हम नहीं करेंगे। नहीं, हम क्यों नहीं, हम आजम खान के माध्यम से अगर होता तो हम करते। अच्छा जी, बस तो क्या उसके लिए करेंगे प्रचार, जो कैंडिडेट है समाजवादी का? नहीं करेंगे। चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है हाजी कल्लन जी। जोर से बोलिए चाचा। हाजी कल्लन। चाचा, क्या हुआ है रामपुर में, दो दिन हो गए, लोग बड़े परेशानी का मामला हो गया, तो क्या हुआ, क्या कहेंगे? अरे भाई, जो टिकट जैसे आसिम राजा को हो जाता पहले, जैसे हाँ, हुआ था हाँ, तो हम उनके साथ थे। अच्छा, हाँ, अब ये बाहर के लोग हैं, क्या पता क्या है क्या नहीं। अच्छा, तो आजम खान के बारे में क्या कहना है? आजम खान साहब के बारे में वो जिससे कहेंगे उसे वोट दे देंगे। कौन कहेंगे? आजम खान। अच्छा, आप उसी को वोट दोगे? अच्छा, ये जो समाजवादी साहब जो आए हैं मौलाना इमाम जो है मस्जिद के, इनके बारे में क्या राय है आपकी? अब एक आदमी जो भी कैंडिडेट रहेगा उसे ही देंगे वो। अच्छा, इन्हें जानते नहीं है ना, हमने कभी देखा उनको नहीं देखा। आप आजम खान से कब से जुड़े हुए हैं आप लोग? अरे, मैं तो बहुत दिनों से, कम से कम 30-35 साल। 30-35 साल हो गए। तो इस बार ये जो दो दिन से चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, कि कभी किसी को टिकट, कभी किसी को अब पर्चा हुआ, तो इस पर क्या कह रहे हैं आप, क्या सोच है आपकी?
तो हम तो ये कह रहे हैं हमारे शहर के कोई आ जाता तो सही था। अच्छा हमारे शहर के जैसे क्या नाम है आपका? मोहम्मद अवद। मोहम्मद अवद क्या कर रहे हो आजकल? बढ़िया अल्लाह का शुक्र। रोजे वोजे हो ना? हाँ बढ़िया। क्या चल रहा है रामपुर में भाई? देखो आजम खान जैसे कहेंगे उसे वोट देंगे। आजम खान नेता है हमारे। अच्छा बस पहले भी नेता आजम खान थे, अभी अब आजम खान। अब ये थोड़ी कोई भी आ जाए उसको दे दें, पहले वकील साहब को दे देते, वकील साहब भी देते हैं अच्छा, फिर अपने ये हाजी जी थे साहब इनको दे देते अब्दुल सलाम साहब, ये एरिया का था हमारे। अब ये थोड़ी है उन्हें जाने नहीं पहचाने नहीं कोई पता नहीं, आज पहली बार सुनने का मौलाना आ गया, मौलाना आ गया। अब हमें क्या पता कौन मौलाना क्या भाई है ये नहीं, इमाम साहब को तो वैसे ही हक नहीं यार, मसले पर खड़ा होंगे ये सब का इसको देखेंगे। अच्छा नहीं बात सुना तुम्हें हमें नमाज पढ़ाएंगे या इसको देखेंगे राजनीति को देखेंगे? मैं बात बड़ी दिलचस्प कही है आपने, मतलब वही तो मैं कह रहा हूँ। इमाम साहब की इमामत करें या इसे देखें? हाँ ये शोभा नहीं देती उन्हें। किसे? इमाम साहब को ये बात शोभा नहीं दे रही। अच्छा हाँ राजनीति करना। हाँ तो अब क्या हालात है, क्या सोच है आदम खान के जाने वालों? आदम खान किसी और को लाएं सचिव पकड़ के, बस आज नहीं देते टिकट अब्दुल सलाम साहब को दे दे। अब तो नॉमिनेशन की डेट ही खत्म हो गई। हाँ तो अब भाई देखो अब क्या करा था, फिर तो मामला खतरे में ही है। तो क्या मौलाना का प्रचार संभाग सपा का जो कैंडिडेट है उनका प्रचार होगा नहीं होगा इस बार? क्या पता भाई, मुझे लगता नहीं लगता, क्योंकि वो जो हर आदमी देखो बात भी इसमें समझता कि क्या चीज़ है वो कहाँ आ रहे हैं। आलिम को तो यहाँ आना भी नहीं चाहिए। अच्छा है ये नहीं ये आपका आपको जानता होगा कि आलिम को नहीं आना चाहिए। हम तुम जैसे आदमी सुनिए प्राइवेट को उन्होंने वो चल दिया वहाँ घोड़े बैठ के, कभी वहाँ चल दिया वो तो मसल्ले पर खड़ा होने वाला आदमी। जो आदमी मसल्ले पर खड़ा होने वाला हो तो वो कहाँ का इस पर राजनीतिक मौको आए। क्या नाम है आपका? शमसुद्दीन। शमसुद्दीन भाई क्या कर रहे हैं आजकल? मेरा काम कर रहे हैं मजदूरी। रोजे हैं सर? हो रहे हैं सारे? हो रहे हैं? क्या हुआ दो दिन से रामपुर के अंदर ये होएगा क्या हैं? रिपोर्ट तो आजम खान को देना, किसी और को थोड़ी देना। अच्छा आजम खान को देना है? हाँ। अच्छा हाँ। और जो सपा समाजवादी से जो कैंडिडेट आए ना हैं ना मौलाना है इमाम साहब है कोई भी सही नहीं, जनता जानती ना हैं? जानती ना है जनता? नहीं जानती है ना। तो किसे जानते हो तुम? हम तो पुराने हैं समाजवादी का, 30 साल से समाजवादी को दे रहे हैं। आजम खान? हाँ। जी भाई क्या नाम है आपको? अब्दुल सुभान। अब्दुल सुभान साहब क्या कर रहे हैं सुभान साहब आजकल? बस रोजे रख जा रहे हैं घर में, नमाज पढ़ रहे हैं। अच्छा नमाज पढ़ रहे हैं। तो दो दिन से घटनाक्रम रामपुर में चला है, ये डैमेज तो झेलना पड़ा समाजवादी को जी, ये डैमेज तो झेलना पड़ा समाजवादी को। उसने यहाँ पे जो घटनाक्रम किया ये अच्छा नहीं। कोई भी एक कैंडिडेट जो लाइफ टाइम जो यहाँ पर अपनी ज़िंदगी गुजारती आजम खान साहब ने, उनके अकॉर्डिंग तो यहाँ पर होना चाहिए था ना। उन्होंने यहाँ भी यही करा, मुरादाबाद में भी यही करा, क्या करेंगे? बैक फुट पे भेज रहे हैं हम लोग, कुछ नहीं है समाजवादी, कुछ नहीं, कोई कांग्रेस नहीं, सब ये एक छलावा है हमारे तुम्हारे लिए। अच्छा कुछ नहीं है, जो हमारा सरबरा है वो ख़त्म। अच्छा डाल दिया अंदर, कैंडिडेट भी ख़त्म, ला के खड़ा कर दिया, पता ना कौन है, आई डोंट नो, मैं तो जानता नहीं, लेकिन फिर भी इतना बुरा हालात, कहाँ जाएंगे हम? कहाँ जाएंगे? कौन सा कौन जीता है? बाबू हिजबुल्ला साहब जिता दूंगा आप, मैं जीता ये सब बीजेपी को मजबूत करने के लिए, ये हमें तुम्हें परेशान करने की बजाय सब तू गए भोग बैठ, कुछ नहीं होगा। आजम खान भी गए और हम तुम भी गए साथ में, जो भी हैं आवाम भी है, कुछ नहीं। तो क्या इस बार समाजवादी पार्टी का जो कैंडिडेट उसका प्रचार प्रसार होगा? अरे नो कैसे हो जाए, प्रचार होता आजम खान से, आजम खान का चेहरा है रामपुर, आजम खान से, रामपुर नहीं पूरा पश्चिम यूपी प्रदेश आजम खान का रामपुर है नहीं। आप भी इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं, सब जानते हैं, मैं आपको माध्यम से कहता हूँ, इसका डैमेज तो उनको डैमेज हो गया कम से कम 5 साल से, इसी लोकसभा से, लोकसभा जीते डेड एंड में पहुँच गए वो, अब उनको बिल्कुल ख़त्म, क्या हुआ कुछ नहीं। तो क्या लग रहा है ये जो सब कुछ हुआ है इसके पीछे क्या हो सकता है, क्या लग रहा है? ये सिर्फ बीजेपी को जिताने की साजिश है और कुछ नहीं। अच्छा तो क्या यहाँ पे कमजोर कैंडिडेट ला के खड़ा कर दिया आजम खान होते, कोई मजबूत कैंडिडेट ला के खड़ा करते या उनके थ्रू कोई समाजवादी मिलकर कोई अच्छा कैंडिडेट लाती तो टक्कर में होते। आसिम राजा साहब पिछले 2 इलेक्शन यहाँ पर लड़े, पहला लड़े उपचुनाव, दूसरा लड़े उपचुनाव, लेकिन चलो कोई नहीं, तीसरा था चेहरा हो गया, पहचान हुई एरिया में, गाँव में, बस्तियों में, देहातों में, शहरों में नाम था, चांस देते मौका था, दस्तूर था, चेहरा उनका था ना। मैं अभी कुछ और लोगों से बात करता हूँ। जी साहब क्या नाम है हजरत आपका? सगीर अहमद। जी सगीर अहमद साहब, जी अहमद साहब, ये दो दिन से ये घटनाक्रम चला है रामपुर के अंदर, समाजवादी पार्टी कार्यालय पर हुआ, बहिष्कार हुआ, उसके बाद अब
आज आसिम आजम ने ये पर्चा भर दिया, उनका खारिज हो गया। अब मुहिबुल्ला नदवी साहब कैंडिडेट हैं समाजवादी पार्टी के, तो अब आजम खान के समर्थक क्या सोच रहे हैं? साहब हबीबुल्ला जो ये नदवी हैं, मुहिबुल्ला इमाम साहब हैं शायद पार्लियामेंट में, इनको यहाँ को नहीं पहली बार नाम सुना मैं, यहाँ के ग्राम प्रधानपति दोपरी टांडा, हमने इससे पहले कभी नाम नहीं सुना था, बल्कि हमारे पास का गांव है राजानगर, यहीं के रहने वाले बताए वो, एक किलोमीटर होगा, ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी बात ये देखो, आजम खां है, उनका चेहरा या मतलब उनका प्रत्याशी उतारा हुआ, फिर टक्कर होती थी, इन्हें तो कोई जानता ही नहीं है। अखिलेश साहब ने दिया था टिकट, इन्हें कोई नहीं जानता, कोई इलेक्शन नहीं होगा, कोई मुकाबला नहीं होगा, मुझे लगता है घनश्याम जी एक तरफा जीत जाएंगे। साहब क्या नाम है आपका? चलिए, मैंने काफ़ी लोगों से यहाँ पे बात की आजम खान समर्थकों से, और मैंने उनसे कुछ जानने की कोशिश की, जो उन्होंने अपने बात को बड़ी दिलचस्प अंदाज में बताने की भी कोशिश की, और आजम खान से कितनी उनको चाहत है वो ही बताने की कोशिश की कि आजम खान के चाहने वाले क्या सोचते हैं। रामपुर से आमिर खान,